नमस्कार। कुछ लोग ऐसे होते हैं पता, आपको खुद की कद्र नहीं करते, और जब वो खुद की कद्र नहीं करते हैं तो फिर वो अपने आप से नाराज होते हैं। यार वो लोग मेरी इज्जत नहीं करते यार, वो लोग मुझे सम्मान नहीं देते। वाई वाई दे गिव यू रेस्पेक्ट? यू डिजर्व इट? नो, यू डोंट डिजर्व इट। यू डोंट डिजर्व रेस्पेक्ट। क्यों नहीं करते हो आप रेस्पेक्ट? डिजर्व क्यों नहीं करते यार? आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, आप अपने खुद की कद्र नहीं करोगे तो लोग आपकी इज्जत, लोग आपकी रेस्पेक्ट क्यों करेंगे? अगर आपको लोगों से अपनी कद्र करवाना है, अगर आपको लोगों से अपनी रेस्पेक्ट करवानी है ना, तो सबसे पहले आप अपनी रेस्पेक्ट करें, खुद की रेस्पेक्ट करें, खुद को औरों से बेहतर माने, और सबसे पहले खुद को सम्मान दे, खुद को इज्जत दे। कहते हैं ना कि शुरुआत जब अपन खुद से करते हैं तभी लोग हमारे पीछे आते हैं। कहते हैं ना कि निज पर अनुशासन फिर दूसरों पर शासन। खुद पे ही अनुशासन नहीं होगा तो आप दूसरों पर शासन कैसा करोगे? जब खुद की रेस्पेक्ट आप नहीं करोगे तो दूसरे आपकी रेस्पेक्ट क्यों करेंगे? आप ऐसी इच्छा क्यों रखते हो कि दूसरी मेरी रेस्पेक्ट करे, दूसरे मुझे सम्मान दे, दूसरे मुझे इज्जत दे? वाय, आप अपनी इज्जत पहले करिए। अपनी इज्जत पहले होगी ना तो फिर दूसरे आपकी इज्जत देंगे। पता है जो लोग खुद की कद्र नहीं करते ना, वो लोग कैसे होते हैं पता है आपको? ऐसे होते जो लोग खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, बस थोड़ा सा भी उनके जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा या थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ ना, बस वो नकारात्मक बातें करेंगे। यार ऐसा क्यों हुआ, यार ऐसे क्यों होना चाहिए, बस वो नकारात्मक सोच उनके दिमाग में पड़ जाएगी। वो पॉजिटिव सोच वाले नहीं होते। थोड़ा सा भी उनके लाइफ बढ़िया चल रही है, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो बस नकारात्मक बातें करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, आगे भी ऐसा होगा, अब मेरा क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बस अंदर ही अंदर नकारात्मक विचार घूमने लगते हैं और अपने दिमाग में नकारात्मक थॉट कर लेते हैं। और जब औरों से बातें करेंगे तो नकारात्मक बातें करेंगे तो लोग सोचेंगे यार क्या है यार, ये तो नकारात्मक बातें करिए, ये तो नेगेटिव सोच वाला इंसान है, तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो आपसे और दूर रहने की कोशिश करेंगे। क्यों? अरे यार वो आएगा अभी, नकारात्मक बातें करेंगे यार, नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में भर रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपकी इमेज नेगेटिव इंसान वाली हो जाएगी। तो खुद से कभी नकारात्मक बातें ना करें, खुद से, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन पॉजिटिव सोच रखें। सोचे कि आज नहीं तो कल मेरे साथ अच्छा होगा, मेहनत करते रहें, लेकिन नेगेटिव सोच मतलब। जो लोग खुद की कदर नहीं करते वो लोग क्या करते हैं? अपनी ताकत को नहीं पहचानते, अपनी कमजोरियों पर रोना रोते हैं बस। अरे यार मेरी ये कमजोरी, यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता। उनके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है लेकिन उनका ध्यान, उनका माइंड किधर जाता है? बस अपनी कमजोरी पर जाता है। अरे यार मेरे अंदर तो ये नहीं, यार मेरी ये कमजोरी, यार मैं। हर इंसान में कमजोरी होती है, किसमें कमजोरी नहीं होती? बड़ा से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े टॉप इंसान, सब में कमजोरी होती है, लेकिन वापिस स्ट्रेंथ भी तो होती है, ताकत भी तो होती है कुछ करने के लिए। तो अपनी कमजोरी पर ध्यान ना दे, अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश मत करें, कमजोरी है तो है बस। हाँ मेहनत करते रहे और अपनी कमजोरी को दूर करते रहे, अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान ज्यादा दे। अगर आप स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान दोगे ना तो आप सक्सेस हो जाओगे, आपकी कमजोरियां आपके पीछे रह जाएगी। तो अपनी कमजोरियों पर कम ध्यान दे और अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान। जो अपनी खुद की कदर नहीं करते ना लोग, वो यही करते हैं, अपनी कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी ताकत पर ध्यान ज्यादा नहीं देते। जो लोग खुद की कद्र नहीं करते ना, वो लोग क्या होते हैं? वो लोग अपने आप को दूसरों से कमजोर समझते हैं, बस उनके सामने कोई उससे बेटर आदमी आ जाएगा, नहीं यार मेरे से तो यार वो बेहतर है, यार मैं उसके सामने कमजोर हूं, यार मैं ऐसा क्यों हूं। अपने आप को वो कमजोर समझते हैं, अपने आप को वीक समझते हैं, नहीं यार वो, यार वो इंसान मेरे से ज्यादा है, यार उसके पास ज्यादा एबिलिटी है मुझसे, उसके पास ज्यादा सब कुछ माइंड है, उसके पास ज्यादा पावर है। आप अपने आप को दूसरों से कमतर क्यों आंकते हो? आप अपने आप को माने कि मैं बेस्ट हूं और मैं ये कर सकता हूं, मुझे में ये एबिलिटी है, मुझ में ये करने की ताकत है। दूसरों से कमतर अपने आप को मत आंकना, वरना आप खुद ही अपनी इज्जत खोगे दूसरों के सामने और अपनी अपने आप में। तो अपनी इज्जत करवानी है ना लोगों में, तो दूसरों से अपने आप को कमजोर मत समझो। जो लोग अपनी कद्र नहीं करते वो क्या करते हैं? उनके छोटे छोटे फैसले दूसरे लेते हैं, वो छोटे छोटे फैसलों पर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, छोटा सा भी कार्य होगा कि यार अरे यार तू कर लेना, यार मेरे से नहीं होगा, यार तू कर लेना, यार अरे यार सारा कार्य वो कर लेगा तो तू क्या करेगा?
छोटे छोटे कार्य पर दूसरों पर डिपेंड रहना, अगर आप छोटे छोटे कार्य पर डिपेंड रहोगे तो आप तो, अगर वो इंसान कहीं बिजी होगा तो आपको वो काम करवाना है तो वही करेगा, तो आप तो अटक गए, आपका तो टाइम वेस्ट हुआ, आप उसके इंतजार में बैठे रहोगे, नहीं यार वो आएगा तो ही मेरा काम होगा यार, मैं तो उसका इंतजार करूंगा यार। वो व्हाट व्हाट इज दिस, आप ऐसा क्यों करते हो? अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहे, खुद सीखे। ठीक है, शुरुआत में आपको नहीं आता है, एक बार दो बार दूसरों से करवा ले, फिर तो आप सीखिए। कब तक आप दूसरों से अपना कार्य करवाते रहोगे? आपको भी तो अपना कार्य करना पड़ेगा। जो लोग खुद की कदर नहीं करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ा सा भी मुसीबत आई, अरे यार बस ये मेरे से नहीं हो सकता यार, बस अपने हथियार डाल देते हैं, अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, बस अरे यार ये मेरे से काम नहीं होगा यार, बस अब क्या। जो लोग खुद की कदर नहीं करते ना, वो जल्दी हार मान लेते हैं। ऐसा आप कभी मत करना। आप जल्दी हार मानोगे तो आपको लोग क्या करेंगे, अरे यार कुछ नहीं आ रहे थे, बस थोड़ा सा भी हुआ, मुश्किलों से। ऐसे लोग मुश्किलों से डरते हैं, मुश्किलों का सामना करने से। तो जल्दी हार ना माने, संघर्ष करें, अपनी मुसीबतों से लड़े। जल्दी हार मानोगे ना तो लोग आपकी कदर क्यों करेंगे, कहेंगे कुछ नहीं आ रहे, तो बस थोड़ी सी मुसीबत आता है और बैठ जाता है, संघर्ष तो करता नहीं। अपने आप को फेलियर समझना। जो लोग खुद की कदर नहीं करते ना, वो क्या करते हैं, बस अपने आप को थोड़ी सी मुसीबत, एक बार दो बार तीन बार हार गए ना मुश्किल जीवन में, तो बस अपने आप को फेलियर समझ लेते हैं। अरे यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं, मैं तो बार बार फेल होता हूं, मेरी किस्मत ही ऐसी खराब है, मैं क्या करूं, मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। क्या फेल आप ही हुए हो जिंदगी में, दूसरे फेल नहीं हुए? अगेन मेहनत करिए, अगेन बढ़िए, अपने आप को फेलियर मत समझिए। अगर आप अपने आप को फेलियर समझेंगे तो दूसरे आपकी कदर क्यों करेंगे, दूसरे आपकी इज्जत क्यों करेंगे? जब आप खुद ही इज्जत नहीं कर रहे हो अपनी, अपने आप को आप फेलियर समझ रहे हो, फिर तो दूसरे आपकी बिल्कुल रत्ती भर भी इज्जत नहीं करेंगे। जो लोग खुद की कदर नहीं करते वो समय की कदर भी नहीं करते हैं। जो फेलियर लोग होते हैं ना, वो समय, उनके लिए समय कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस समय आ रहा है जा रहा है बस। तो ऐसे लोगों की कोई दूसरे कद्र नहीं करते हैं। अगर आपको अपनी कद्र करवानी है ना, तो इन बातों को माइंड में रखना होगा, वरना तो लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे।